पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के अलग अलग जगहों पर अशांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। चुनाव के दौरान भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए, जिसे देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सोमवार यानी कि आज राज्य के करीब 696 बूथों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजगंज में भी केंद्रीय बलों की निगरानी में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। राजगंज के सन्यासीकाटा के जुम्मागच में किसी और का वोट किसी और ने दे दिया। आज सुबह करीब 9 बजे जुम्मागच 18x121 नंबर बूथ में मतदान शुरू हुआ। इस दौरान बूथ पर देखा गया कि सास के नाम की वोट उनकी बहू ने दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सास बीमार है, इसीलिए वह उनका वोट डाल रही है। इस संबंध में बुद्ध की प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। विकलांग लोगों के परिवार के सदस्यों को जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर कोई अनियमितता है तो हम मामले को देख रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे तो हम लोग पूरा नहीं देखा है, क्योंकि आज ऑफिशियल वर्क भी हो रहा है। ठीक है, अरे एक्चुअली बोलने का माना है ये नहीं, नहीं सुनिए, वो मुझे बोला है वो लोग विकलांग है, मतलब हैंडीकैप है, मगर हैंडीकैप तो नहीं थे। अच्छा, देखेंगे हम लोग, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के ऑफिशियल वर्क है ना, सब कुछ है। We'll be right back.